Hello everyone, I am Gagan Ladha, a teacher turned entrepreneur and now the founder of Evademy, which is helping teachers to create their own online academy. दोस्तों आपने इस तरह के videos अक्सर देखे होंगे. मैं आपको आज इस particular video में यही बताऊंगा कि ऐसे videos को आप किस तरह से create कर सकते हैं या फिर इस तरह के live sessions भी अगर आपको लेने हैं, as it is, बिना video editing के अगर आप directly live sessions भी ऐसे लेना चाहते हैं या फिर videos create करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. इसमें का मेरा एक और video आया था, आप यहाँ पर link में जाके देख सकते हैं. वो मैंने बताया था कि आप mobile, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, सिर्फ मोबाइल की हेल्प से अगर आप ऐसे वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं. तो उसमें मैंने एवरडेमी स्टूडियोज के मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बताया था. तो वैसे भी आप कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, तो आप डायरेक्टली मोबाइल के थ्रू भी कर सकते हैं. उसमें बस एक ही चीज़ थी जो लोगों के वहां पर कमेंट आए थे कि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव नहीं हो रहा था. आपका जो वीडियो है वो बॉक्स फॉर्म में दिखता था बैकग्राउंड, उसमें क्रोमा का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव नहीं होता था. तो इसमें मैं बताऊंगा कि एग्जैक्टली इस तरह के वीडियोज आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि जिसने आप डॉक्यूमेंट में लिखे आपका फेस भी दिखे आपका, और साथ ही साथ आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो पूरा मर्ज हो जाए साथ ही साथ पूरे स्क्रीन के. तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं. तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि हार्डवेयर आपको क्या क्या लगने हैं. हार्डवेयर बहुत सिंपल हार्डवेयर है, हो सकता है आपके पास सारी चीजें हो ऑलरेडी. तो एक पीसी या फिर लैपटॉप आपको लगना है अलॉन्ग विद वेब कैमरा. इसके अलावा एक माइक आपको लगेगा जिसके थ्रू आप रिकॉर्डिंग कर सके. एक्स्ट्रा चीज में आपको लगेगी एक मोबाइल स्टैंड और साथ ही साथ एक मोबाइल. अब मोबाइल में हमको करना क्या है, जो डॉक्यूमेंट में हम जो कुछ लिखेंगे वो चीज मोबाइल में कैप्चर होगी और वो प्रोजेक्ट होगी आपके पीसी में, और पीसी के थ्रू फिर हम ओबीएस को यूज करते हुए फिर हम इस तरह के वीडियोज या फिर लाइव सेशन ले सकते हैं. अब सवाल उठता है कि पीसी में किस तरह से प्रोजेक्ट किया जाए. तो मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर बताया था, मैं आपको वीडियो दे देता हूं. या एक एप्लीकेशन आपको मैंने बताया था जिसका नाम है आईवी कैम. तो आईवी कैम के थ्रू आप इजीली इन डॉक्यूमेंट को जो भी कुछ आपके मोबाइल में प्रोजेक्ट हो रहा है उसको आप डायरेक्टली पीसी में प्रोजेक्ट कर सकते हैं. चाहे तो आप वायर के थ्रू कर लीजिए, वायर के थ्रू करेंगे तो कभी भी बेटर होता है, या फिर वाईफाई के थ्रू भी ये चीज़ काम करती है. मैं अभी वाईफाई के थ्रू कर रहा हूँ, बेटर कभी भी रहता है कि आप वायर के थ्रू इसको प्रोजेक्ट करें. तो इसमें अब मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली यहाँ पर स्टार्ट करूँगा और डेस्कटॉप में सेलेक्ट कर लूँगा. ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए ये इसको मैं सेट कर लिया मोबाइल में. आप पीसी स्क्रीन आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट हो रहा है अभी. ओके, और जो भी कुछ मैं यहाँ पर लिखूंगा वो सब कुछ वहाँ पर विजिबल होगा. थोड़ी सी क्वालिटी हो सकता है आपको थोड़ी सी ये लग रही हो कि थोड़ा सा ब्लर कैसे आ रहा है, तो ये कभी कभी वाईफाई के कनेक्शन के कारण ये चीज़ हो जाती है. बेटर कभी भी, इसलिए मैंने आपको कहा ये रहेगा कि बेटर हमेशा आप वायर के थ्रू आप कनेक्ट करेंगे तो ये चीज़ बेटर रहेगी. तो ये अभी तो हमने प्रोजेक्ट किया. अब प्रोजेक्ट करने के बाद आगे की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊंगा OBS स्टूडियोज के सॉफ्टवेयर के साथ. तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन में ले चलता हूं. तो अब आ जाते हैं दोस्तों अब सॉफ्टवेयर सेटिंग. अब सॉफ्टवेयर सेटिंग आपको किस तरह से करनी है, तो ये हम जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे जैसे मैंने आपको बताया डेट इज OBS स्टूडियोज. और OBS स्टूडियो की सेटिंग में अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है. तो मैं बैकग्राउंड एक ऑलरेडी जो क्रिएटेड बैकग्राउंड है हमारा वो मैं अभी सेलेक्ट कर रहा हूँ. इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप उस तरह का बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप बहुत ही इजिली किस तरह से कर सकते हैं. ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पर से बैकग्राउंड क्रिएट करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इमेज को सेलेक्ट करूंगा. मैं इमेज में आ रहा हूँ और यहाँ पर मैं इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ जहां पर भी बैकग्राउंड इमेज है. ये देखिए ये ऑलरेडी इस तरह की इमेज क्रिएट की हुई है हमारी. मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आप इस तरह की इमेज कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट स्टे टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो. तो ये यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले ये बैकग्राउंड क्रिएट कर दिया. अब इसके बाद करना क्या है दोस्तों, अब एक तो सबसे पहले मेरा वीडियो लाना है और उसके अलावा एक जो हमने मोबाइल को जो प्रोजेक्ट किया है आईवी कैम में उसको अब हमको लेके आना है. तो अब उसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो सबसे पहले यहाँ पर से मैं वीडियो सोर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ. वीडियो कैप्चर डिवाइस में मैं जाऊंगा और यहाँ पर वीडियो कैप्चर डिवाइस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर से E2 सॉफ्ट आईवी कैम. ओके, तो ये मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और ये मैंने इसको ओके कर दिया. तो ये यहाँ पर मैं इसको या तो डायरेक्टली रख सकता हूँ और नहीं तो आप अगर चाहें तो इसको बैकग्राउंड में कर सकते हैं. मैं इसको अगर नीचे करना चाहूँ तो ये यहाँ पर सेलेक्ट करके ये मैं इसको नीचे कर दिया. अब यहाँ पर जो ग्रीन दिख रहा है इस ग्रीन को अगर मुझे हटाना है तो मैं यहाँ पर जाऊँगा फिल्टर में और यहाँ पर मैं इसका क्रोमा कट कर दूंगा. ये मैंने क्रोमा की में आया और ये इसका क्रोमा कट हो चुका है. ये आप देख सकते हैं इस तरह का कुछ आपको दिखेगा. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा सेट कर सकता हूँ इमेज को. ये इमेज अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुई है. ठीक है, तो ये ऐसे करने से हुआ क्या कि ये बैकग्राउंड में अब ये चीज दिख रही है ना. आप अगर ये चाहे आईवी कैम लिखा हुआ छुपाना चाहे तो आप छुपा भी सकते हैं. ओके,
बस एक चीज ध्यान देते रहिएगा यहाँ पर कि आपका कुछ भी चीज यहाँ छुपना नहीं चाहिए, लिखते टाइम वो चीज ध्यान दीजिएगा, जो रेंज दिख रही है उसी रेंज में आपको वहां पर लिखना है। ओके, तो ये मैं यहाँ पर इसको कर दिया। ये क्रोमा थोड़ा सा अच्छा कटा नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा और कोशिश करूंगा काटने की। इसमें कि हमारे और भी वीडियोस हैं ओबीएस स्टूडियोज के, आप वो भी देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और डेप्थ में जानना है इसके बारे में, तो किस तरह से काम करता है। ओके, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, किस तरह की सेटिंग्स आपकी होनी चाहिए। ये आ गया आपका बैकग्राउंड में ये वीडियो, मैं जो भी कुछ यहाँ पर लिखूंगा वो चीज लिखते हुए यहाँ पर ऑलरेडी मेरी आते जाएगी। ठीक है, ये सेट हो गया मेरा। अब इसके बाद मुझे मेरा वीडियो लाना है, तो पहले मैं अपना वीडियो यहाँ पर बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं एक और वीडियो कैप्चर डिवाइस सेलेक्ट करूंगा। ओके, वीडियो कैप्चर डिवाइस 2 मैंने नाम दिया इसका, और यहाँ पर मैं अपना जो वीडियो है मैं उसको ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें भी अब मुझे पीछे जो ग्रीन स्क्रीन है उसको मुझे काटना है, तो अब मैं अगेन सेम काम करूंगा, यहाँ पर क्रोमा कट करूंगा। इसको थोड़ा सा आप सिमिलैरिटी और स्मूथनेस को सेट करके, इसको आप आगे पीछे सेट करके प्रॉपर इस तरह का कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब ये मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा सा पास में रखा हुआ है, इसलिए मेरा यहाँ तक ही कैप्चर हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा इसको मैं दूर रखूंगा तो देखिए यहाँ तक कैप्चर होगा, एग्जैक्टली उस तरह का लुक आएगा कि आप एक टेबल में बैठे हुए हैं। ओके, तो ये इस तरह से आप कर सकते हैं। बैकग्राउंड में कुछ चीजें ये एक्चुअली इसकी है कैमरे की, उसको मैं चाहूँ तो हटा सकता हूँ। ठीक है, इसका डिटेल ट्यूटोरियल आप देख सकते हैं मेरा, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे देता हूँ। कई सारे वीडियोस मैंने इसके बनाए कि किस तरह से आप इसमें लाइक कर सकते हैं, किस तरह के वीडियोस आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वीडियो की सिर्फ हम सेटिंग्स देख रहे हैं, ये हो गई आपकी बस इतनी सी सेटिंग है। अब आपको रिकॉर्ड करना है तो यहाँ पर से आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर दीजिए, स्ट्रीम करना है, लाइव करना है तो यहाँ से आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दीजिए। तो जैसा भी आपको करना है और जो भी कुछ मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वो सारी चीज आसानी से आपकी कैप्चर होते हुए आ जाएगी। वट एवर डायग्राम्स यू आर मेकिंग, जो भी कुछ आप कर रहे हैं वो सारी चीज आप यहाँ पर आपकी कैप्चर हो जाएगी। बेस्ट थिंग मेरे को इसकी ये लगती है कि इस तरह के वीडियोस में हम हमारा कन्वेंशनल मेथड यूज करते हैं टीचिंग का, जो हम लिख लिख के पढ़ाते हैं। एज ए टीचर आप इस चीज को बहुत को रिलेट कर पाएंगे कि बिना लिखे हमको वो फील नहीं आती, वो मजा नहीं आता, या फिर हम पेन टाइप में लिखते हैं तो बहुत लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर आप आसानी से अपने इसके थ्रू लिखते हुए कर सकते हो। और ये मैं अभी वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं क्वालिटी अच्छी है, काफी अच्छी आ रही है। और थोड़ा आपको अच्छा करना है तो आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर वायर के थ्रू करना चाहें तो और अच्छी क्वालिटी आपकी आ सकती है, बट वाईफाई के थ्रू भी इट्स गुड। ओके, तो ये इस तरह से आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आ जाता हूं कि ये बैकग्राउंड जो मैंने बनाया था इमेज, वो बैकग्राउंड अपन किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अपन आ जाते हैं कि इस तरह की इमेजेस अब आपको बनानी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि एंड ऑफ द वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसी आप इमेजेस किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह के बैकग्राउंड्स कैसे आप बना सकते हैं। तो बहुत सिंपल है बनाना, आप कैनवा यूज कर सकते हैं इस चीज के लिए, जो कि फ्री, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूज करने के लिए। तो मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ canva.com। ओके, कुछ एक चीजें आपको बैकग्राउंड के लिए निकालनी है। सबसे पहली चीज जो आपको लगेगी, मैं आपको इसी इमेज के प्रेफरेंस से बता रहा हूँ, एक तो आपको सबसे पहले ये बैकग्राउंड लगेगा, तो ये एक बैकग्राउंड हम निकाल लेते हैं। दूसरा आपको ये टेबल लगनी है। ओके, तो ये इस तरह की टेबल निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप अगर लोगो वगैरह डालना चाहे, जो भी कुछ डालना चाहे वहां पर डाल सकते हैं, या अपनी वेबसाइट का नाम डालना चाहे, जिस भी तरीके से आप इसको करना चाहें आप कर सकते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड निकाल लेता हूँ, तो कोई भी जिस जो बैकग्राउंड आपको सुटेबल लगे, मुझे वुडन बैकग्राउंड मैं स्पेशली प्रेफर करता हूँ, तो मैं वुडन बैकग्राउंड में सर्च कर लेता हूँ, और कोई भी एक अच्छा सा वुडन बैकग्राउंड मैं यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। ओके, एक बात का आप ध्यान देंगे, जो भी इमेजेस आप यूज कर रहे हैं वो कॉपीराइट फ्री होनी चाहिए, और अदरवाइज अगर कॉपीराइट है तो, और वो क्रेडिट मांग रहे हैं, तो आप उनको ड्यू क्रेडिट आप दीजिए कि ये इमेज जहां भी यूज करेंगे वहां पर आप नीचे उस वेबसाइट में आप ड्यू क्रेडिट दे सकते हैं, अदरवाइज कॉपीराइट फ्री इमेजेस ही प्रेफरेबल रहती है यूज करने के लिए। ये मैंने इमेज ये वाली निकाल ली है। इसके अलावा अब नेक्स्ट जो मुझे काम करना है, डेट इज टेबल, टेबल निकालना है, तो आप इसको न्यूज टेबल के नाम से सर्च कर सकते हैं, न्यूज टेबल ग्रीन स्क्रीन, इस नाम से आप सर्च कीजिए। जो भी आपको कोई भी अच्छी सी टेबल आपको दिखती है आप उसको निकाल सकते हैं। ये जैसे ये वाली टेबल है, इसको अपन थोड़ा सा, ये इसकी मिल रही है पीएनजी शायद,
ओके, तो मैं इसको अगर मैं हाफ भी यूज कर लूँ, आधा मैं कट करके यूज कर लूंगा तो ये मेरे काम आ जाएगी। ओके, तो मैं इसको सेव कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा बैकग्राउंड हो गया, हमारी टेबल हो गई। अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ कैनवा में। इसमें यूजुअली जो हम बनाते हैं साइज जो बनाते हैं वो यूट्यूब के साइज की ही हम वीडियोस कभी भी क्रिएट करते हैं, 16:9 का जो रेशियो रहता है। तो इसलिए कोशिश करिए इसमें भी वही चीज हमको करना है। जो आप डिजाइन क्रिएट करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल में जा सकते हैं। यूट्यूब थंबनेल के फॉर्म में ही आप करेंगे तो डायरेक्टली उस साइज में आपकी ये डिजाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, मैं अब इन इमेजेस को ओपन कर लेता हूँ। ये इमेजेस को मैं इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। ये आपका कैनवा ओपन हो चुका है। ये इमेज को मैंने यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप किया। ओके, आप में से हो सकता है बहुत लोग कैनवा यूज किए होंगे। एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, आप अगर किसी भी तरह के डिजाइन बनाना चाहें तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसके ऊपर मुझे लानी है टेबल। तो ये मैं यहाँ पर टेबल उठा के ला रहा हूँ, बट ये टेबल एज इट इज मेरे काम नहीं आएगी। मुझे साइड में इसको रखना है, इतना बस, दैट्स इट। ये इतना सिंपल है, ये साइड में मैंने इसको रख दी। ठीक है, ताकि मैं यहाँ पर बैठ सकूँ। आप यहाँ चाहे तो अपना नाम भी लिख सकते हैं, जिस भी तरह से आप चाहें आप उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इसमें हमको एक स्क्रीन लेके आनी है। ओके, तो आप इसमें डाल सकते हैं स्क्रीन फ्रेम, कोई भी अच्छी सी फ्रेम आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए। ये सिंपल सी दिख रही है मुझे, मैं इसको भी ले लेता हूँ। रॉयल्टी फ्री है ये, मैं कर रहा हूँ सेव इमेज। ठीक है, मैंने इस फ्रेम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया है। ओके, अगर इसको क्रॉप करना है आपको साइड साइड से तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे ऊपर नीचे मुझे वो दिख रहा था ब्लैक कलर में, तो मैंने इसको क्रॉप कर दिया। ये मैंने इसको, ठीक है, अब इसको मैं चाहता हूं कि इसके पीछे हो जाए, जो टेबल है वो आगे दिखे, तो ये मैंने इसको राइट क्लिक किया एंड सेंड टू बैक, दैट्स इट। ये हो गया, बस इतना सिंपल है। ओके, तो ये इस तरह की इमेज, या आप खुद भी बना सकते हैं, या जो भी जिस तरह से आप क्रिएटिविटी यूज करना चाहें कर सकते हैं। यहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये PNG में ही आप रखिए इसको, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने अभी जो बनाया था उसमें मैं आपको ये इमेज लगा के भी दिखा देता हूं। ठीक है, ये इमेज आपकी बन गई। ओके, मैंने अभी बहुत जल्दी में बनाया, आप थोड़ा सा और इसको बेटर कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, मैंने OBS में अभी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इमेज मैंने अपनी लगाई थी, इसको मैं चेंज कर देता हूं। जो इमेज हमने अभी बनाई है उससे मैं चेंज कर देता हूं। डाउनलोड्स में बैकग्राउंड, ओके, ये हो गई। थोड़ा सा आप इसको सेट कर देंगे टेबल लेवल के हिसाब से, दैट्स इट, इतना सिंपल है। सो आई होप ये चीज क्लियर है दोस्तों कि किस तरह से आप ऐसे वीडियोस बना सकते हैं। अब इसमें दो तीन चीजें रहती है कि आप इसमें रिकॉर्ड कैसे करें और लाइव कैसे करें। तो उसके लिए कई सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं OBS स्टूडियो के लिए, तो वो वीडियोस आप अलग से देख सकते हैं, क्योंकि वो पूरी अपने आप में प्रोसेस है। इसमें मैंने आपको सेटिंग बताई है किस तरह से आप उस तरह की सेटिंग कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों की ये चीज, ये वीडियो आपके काम आएगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो दोस्तों तो आप इसको लाइक जरूर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज हम लोग इसी तरह के बहुत सी सेटिंग्स में आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप ऑनलाइन क्लासेस अपनी बेटर वे में कंडक्ट कर सकते हैं। सो आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। थैंक यू सो मच।